अगर आप भी पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं और दवा करके परेशान हैं, ऑपरेशन से डर लगता है, तो ये खबर आपको राहत पहुंचाएगी। अब आपको दूरबीन विधि से भी इस समस्या से निजात मिल सकता है। वैसे तो ये विधि काफी समय पहले से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराने में डरते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना बताने जा रहे हैं जिसमें डॉक्टरों की टीम ने 15 सेंटीमीटर बड़ी और मोटी पथरी से भरी पित्त की थैली को दूरबीन विधि से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, जौनपुर के वाजिदपुर तिराहे के पास स्थित उजाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास यादव ने एक महिला का दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर 15 सेंटीमीटर बड़ी पित्त की थैली को बाहर निकाला है। महिला कई महीनों से पित्त की थैली से परेशान थी। उसकी पित्त की थैली में पथरी थी और दवा करके थक चुकी थी। महिला मुंबई में थी, वहाँ इलाज के पैसे ज़्यादा लग रहे थे। ऐसे में किसी ने उसे उसके ही शहर जौनपुर में उजाला हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद महिला अपने गांव जौनपुर में आ गई और इलाज के लिए पहुंची। हॉस्पिटल के लेप्रास्कोपिक सर्जन डॉक्टर विकास यादव ने महिला को रविवार को एडमिट किया और सोमवार को दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने बताया कि इस विधि से ऑपरेशन कराने के बाद मरीज को 48 घंटे में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और 4 से 5 दिन बेड पर रहने के बाद मरीज अपने सभी काम को पहले की तरह कर सकता है। हमारी पेशेंट थी, वो हमारे पास आई थी पित्त की थैली में पथरी लेके। कल हमने उसको भर्ती किया था, आज हमने उसको ऑपरेट किया है लैप्रोस्कोपी, जिसको आप लोग दूरबीन विधि द्वारा करते हैं। तो उसकी पित्त की थैली बहुत बड़ी थी, बहुत रेयर होता है, 15 सेंटीमीटर की थी और बहुत मोटी थी, और उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली दूरबीन विधि द्वारा पूरी तरह से निकाल दिया, पथरी और पित्त की थैली एक साथ बिना तोड़े फोड़े। हाँ, नहीं वो एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई है, खासकर छोटे शहर जैसे हमारा जौनपुर हो गया, यहाँ पॉपुलर नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ उस टाइप के उतने ट्रेंड लोग नहीं पहुँचे। अदरवाइज़ आजकल यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ये ओपन से ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। मरीज़ हमारा 48 घंटे में छुट्टी हो जाता है, 4-5 दिन बेड पर रहता है, उसके बाद वो अपना सारा बेसिक काम कर सकता है। इसमें बाद में हर्निया बनने का डर नहीं रहता है, जो घाव होता है ऑपरेशन का उसमें पस पड़ने का, उसमें इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। तो ये आजकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ओपन से ज़्यादा अच्छी होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और लोगों में भ्रांतियाँ थी कि पथरी छूट जाती है, पित्त की थैली आधी निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी की पूरी पित्त की थैली निकलती है जैसे ओपन में होता था। आपने ये ऑपरेशन किया, इसके पहले भी आपने सही से निकाला था? हाँ, मैंने बड़ा निकाला है, लेकिन जौनपुर में ये पहला इतना बड़ा पित्त का थैली 15 सेंटीमीटर का और मोटा पहली बार निकाला है। पेशेंट बहुत अच्छा है, और वो एक्चुअली मुंबई में था पेशेंट, किसी ने उसको बताया कि आपके अपने ज़िले में ही हो जाएगा, और मैं खुद नायर हॉस्पिटल मुंबई का ग्रेजुएट हूँ, तो आई है उस बात पे और यहाँ पे ऑपरेट कराई है, जस्ट केवल ऑपरेट कराने के लिए आई है। आपके साथ और कितने लोग भी थे? हमारे पास हमारे सबसे सीनियर डॉक्टर जो है त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी सर, सीनियर एनेस्थेसिस्ट हैं, वो थे, उनका गाइडेंस हम लोग को टाइम पे टाइम मिलता रहता है। सर पूरा प्री ऑप से लेकर इंटर ऑप इवन पोस्ट ऑप थोड़ा सा मैनेज किए हैं, पूरा सर का पूरा गाइडेंस रहता है। और फिर हमारी टीम है एनेस्थेसिस्ट के साथ साथ, हमारे टेक्नीशियन है, मनोज है, दीपक है, और हॉस्पिटल का सारा स्टाफ है, सारा मैनेजमेंट है, सब लोग का सबका योगदान है। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव है, मैं कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ उजाला हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। क्या